हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस एक गाड़ी मैं और लेकर आया हूँ, जैसा आप देख सकते हैं ये है जेन। और इससे पहले भी जो है मैंने गाड़ी ली थी वो थी ऑल्टो 800, जो कि आपने मेरे चैनल पर देखी भी होगी। उसकी मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई थी, लेकिन उस गाड़ी में एक बहुत बड़ी कमी थी, और कमी ये थी कि उसका जो है ना फ्लोर बोर्ड गल चुका था। और ये चीज़ मैंने उस टाइम नहीं देखी जब मैंने गाड़ी ली थी। एक्चुअली वो गाड़ी मैंने फ्रेंड से ली थी अपने एक, और उसको भी नहीं पता था। दरअसल उसको भी जो है ना गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं थी, और उसको भी नहीं पता कि वो गाड़ी कब नीचे से गलती जा रही थी पूरी। और मैंने उससे वो गाड़ी खरीद ली, और मुझको भी उसकी ये प्रॉब्लम कम से कम 20-25 दिन बाद पता लगी कि उसका जो है ना फ्लोर बोर्ड गल चुका है और वो गाड़ी स्क्रैप होने वाली है। इसलिए मैंने वो गाड़ी वापस से उसी फ्रेंड को दे दी जिससे मैंने वो ली थी। और उस गाड़ी के बाद मैं ये गाड़ी लाया हूँ, जैसा आप देख सकते हैं ये है जेन LXi मॉडल, और ये पावर स्टीयरिंग और पावर विंडो में आती है। और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। तो चलिए, सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये है जेन LXi मॉडल, 1000cc का इंजन इस गाड़ी में आता है। सामने से देखने पर आपको ये गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, लाइट्स थोड़ी फेड है, इसमें नाइट आई मैंने इसमें लगाई हुई है, तो रात को विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है इसमें। और इसकी ग्रिल मैंने ब्लैक की हुई है। ये ग्रिल अगर आप स्टॉक गाड़ी में देखोगे तो ये ग्रिल वाइट आती है, लेकिन मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है, और इसका कलर मैट ब्लैक है। और सेम इसी तरीके से नीचे की तरफ से भी मैंने ब्लैक किया हुआ है। ये पूरी लाइन जो है ना ब्लैक की हुई है बम्पर की, और लुक काफ़ी बढ़िया आता है। और ये मैंने अपने स्टाइल से ही किया है। इसमें अलॉय व्हील इस गाड़ी में मिलते हैं, जैसा आप देख सकते हैं ये अलॉय व्हील हैं, इसमें सिल्वर कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं हमको चारों टायर्स में। और एक चीज़ मैंने इसमें और ऐड की है, ये है फ्रेमलेस वाइपर, और इसमें फ्रेम नहीं आता, आजकल बहुत गाड़ियों में लगा रहे हैं लोग। और एक्सेसरी के तौर पर मैंने इसमें वाइपर इंस्टॉल किए हैं। और ये गाड़ी है टाइप 2 मॉडल, जैसा कि आपको इसकी हेडलाइट और टेल लाइट देखकर अब तक पता लग गया होगा। टाइप 2 मॉडल में ऐसी टेल लाइट्स आती थी, और इसको सेकंड जनरेशन भी बोलते हैं हम जेन का। जो एक जेन पहले आई थी उसकी बॉक्स टाइप में टेल लाइट होती थी, और बॉक्स टाइप में ही हेडलाइट्स होती थी, लेकिन ये जनरेशन 2 मॉडल है। और ये गाड़ी अब तक पूरी ओरिजिनल कंडीशन में है, मतलब इस गाड़ी में अब तक एक बार भी पेंट नहीं हुआ, और ओरिजिनल पेंट पे ही ये गाड़ी चल रही है। थोड़े बहुत इसमें स्क्रैचेस तो आ चुके हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, और कुछ स्क्रैचेस रबिंग के बाद भी चले जाएंगे। और अंदर से आपको दिखाऊं, और इसलिए इसमें हमको पावर विंडो मिलता है, जैसा आप देख सकते हैं ये बटन लगा हुआ है, और सेम इसी तरीके से ड्राइवर साइड के 2 बटन हैं। और इस गाड़ी के दोनों फ्रंट डोर पावर विंडो हैं, बटन से कंट्रोल कर सकते हैं आप। और अगर पीछे वाले दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं पीछे वाले में हमको हैंडल मिलता है मैनुअली, ये हमको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ेंगे। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी से अंदर की लुक देख लीजिए आप, तो अंदर से गाड़ी अपनी कुछ ऐसी दिखाई देती है। और ग्लव बॉक्स इसका कुछ ऐसा है, यहाँ पर मैंने कपड़े रखे हुए हैं अभी, और एसी वेंट्स हैं इसके, एसी भी इसका गाड़ी का वर्किंग है। स्टेयरिंग हमको इसमें कुछ ऐसा मिलता है, और हॉर्न इस गाड़ी में मैंने ऑल्टो वाले ही इंस्टॉल कर दिए हैं, उसकी आपने वीडियो भी देखी होगी जिसमें मैंने आपको हॉर्न इंस्टॉल करना बताए थे कार में, तो हॉर्न हमको कुछ ऐसे साउंड देते हैं इसके। और ये है इसका गियर नॉब, 5 गियर मिलते हैं, और ये रिवर्स, और इसमें हमको ग्लास होल्डर मिलते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिलता है रखने के लिए सामान। और इंजन भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम पीछे से भी बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पीछे से व्यू कुछ ऐसा है गाड़ी का। और यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ स्पीकर रखा हुआ है, इस गाड़ी में इनबिल्ट स्पीकर थे लेकिन वो ख़राब हो चुके थे, वो मैंने निकाल दिए, और इसलिए मैंने ब्लूटूथ स्पीकर अभी चला रहा हूँ काम के लिए। और डोर पैनल इसके मैनुअल ही हैं पिछले वाले, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी है। ये हमको यहाँ पर मिलता है हेडरेस्ट पिछले वाले सीट कवर के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे भी लगा हुआ है, जो पैसेंजर और ड्राइवर साइड के हैं दोनों इसमें लगे हुए हैं, जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं। और रूफ़ इस गाड़ी का कुछ ऐसा है, और इस गाड़ी में स्पेस मुझको ऑल्टो से ज़्यादा लगता है, मतलब कि ये गाड़ी इसका जो है ना रूफ़ थोड़ा छोटा है, मतलब कि ये छत जो है ना इसकी गाड़ी की छोटी है अगर ऑल्टो के आप बराबर लगाओगे इस गाड़ी को, लेकिन गाड़ी की लंबाई और चौड़ाई मुझको ज़्यादा लगती है गाड़ी की। और बाकी अलॉय व्हील मैंने आपको दिखाए, अलॉय व्हील इस गाड़ी में डले हुए हैं। और इस साइड के दोनों टायर इसमें सही हैं, सही कंडीशन के योकोहामा के इसमें टायर लगे हुए हैं, और इस साइड के दोनों टायर इसके A1 कंडीशन के हैं, मतलब कि बिल्कुल नए ही हैं, बहुत कम चले हैं, जैसा आप देख सकते हैं ये भी योकोहामा का टायर है। और इस गाड़ी में हमको कॉम्बी ब्रेक मिलती है, मतलब कि जब आप फ्रंट ब्रेक सप्लाई करोगे रियर भी आपका काम करेगी गाड़ी रोकने के लिए। इस साइड का टायर घिस चुका है पूरा, और सिर्फ इसकी बीच की लाइंस थोड़ी बहुत बची हुई है, मतलब ये चेंज होने वाला टायर है। और 3 टायर इसके बिल्कुल सही कंडीशन के हैं, जैसा आप देख सकते हैं ये पिछले वाला टायर है, ये भी कंडीशन बिल्कुल ओके है इसकी।
इस गाड़ी को जो है ना 3 से 4 मैकेनिक ने देखा कि ये गाड़ी कहीं से गली हुई तो नहीं है, लेकिन 3 से 4 मैकेनिक ने जो है ना इस गाड़ी को अप्रूव किया कि ये गाड़ी कहीं से भी नहीं गली हुई है, इसलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी। और बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं, थोड़े बहुत इसमें स्क्रैचेस हैं, ये बोनट में थोड़े बहुत निशान हैं इसके, अगर इसकी टचिंग कराई जाए पेंट के साथ तो जा सकते हैं, बाकी ओरिजिनल पेंट है गाड़ी का, तो ये चीज़ मुझको सबसे बढ़िया लगी और गाड़ी का भी एक्सीडेंट भी नहीं हुई है। और अब बात करते हैं हम इस गाड़ी के इंजन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है गाड़ी का इंजन, और इस गाड़ी में हमको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जैसा आप देख सकते हैं 4 स्पार्क प्लग 1 2 3 4। 60 BHP की ये पावर प्रोड्यूस करता है इंजन, बैटरी की कंडीशन भी बिल्कुल सही है और लीकेज वगैरह इसमें नहीं होती। बहुत सी जैन में जो है ना मैंने डिस्ट्रीब्यूटर में लीकेज देखी, और आपने भी देखी होगी अगर आप जैन ऑन करते हो तो यहाँ से जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास से लीकेज बहुत होती है उन गाड़ियों में, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। इस गाड़ी का काम हो रखा है मतलब पहले भी, और सर्विस के टाइम पे जो है ना ये लीकेज वगैरह सब बंद करवा रखी है इसकी, और इसलिए इसका इंजन काफ़ी सही कंडीशन में लगता है। और इस गाड़ी में हमको थ्रॉटल बॉडी मिलती है, FI इंजन है ये, और पुरानी जैन में हमको कार्बोरेटर भी मिलता था, और पुरानी जैन FI में भी आती थी, उसका सेम इंजन यही वाला होता था, लेकिन FI वाली जो है ना ज़्यादा कामयाब लगती है मुझको, क्योंकि FI वाली जो है ना एवरेज अच्छी दे देगी आपकी, और बाकी कार्बोरेटर वाली का मैं कुछ कह नहीं सकता। और सबसे पहले जौन सी भी आपको गाड़ी लेनी हो, आपको सबसे पहले चेक ये करना है कि उस गाड़ी को जो है ना एपरेंट डैमेज ना हो। जो मैंने ऑल्टो ली थी, जो मैंने अभी दोस्त को वापस कर दी, उस गाड़ी के जो है ना एपरेंट ख़त्म थे, मतलब कि उसकी जो है ना एपरेंट रिपेयरिंग हो रखे थे। उस टाइम मैंने वो किसी को मैकेनिक को नहीं दिखाई, अगर मैकेनिक को दिखाता तो मेरा लेना कैंसिल ही था, बस यही मेरे से भूल हो गई कि वो मैकेनिक को मैं नहीं दिखा पाया। और इस गाड़ी को लेकिन मैंने मैकेनिक को दिखाया, और जैसा आप देख सकते हैं इसके एपरेंट बिल्कुल ओके हैं, मतलब कि कभी भी इस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और जिधर से भी आप देखोगे इसमें आपको कहीं भी रस्ट नहीं दिखेगा। बॉडी शेल वगैरह जो है ना इसका बिल्कुल सही है, कूलेंट इस गाड़ी में पूरा है अभी, मतलब इस गाड़ी की जो है ना सर्विस भी हाल ही में करवाई है मैंने, और बाकी सर्विस वगैरह की वीडियो मैंने स्किप कर दी थी, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जब गाड़ी का पूरा थोड़ा बहुत मतलब काम हो जाए तभी आपको वीडियो में दिखाऊँगा मैं, जिससे कि गाड़ी थोड़ी सही लगे, और तो थोड़ा बहुत मैंने इसका काम पहले से ही करवा दिया था। और एक बार ऐसी इंजन की साउंड भी सुन लेते हैं कि इस इंजन की साउंड कैसी है, तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, और चाबी कुछ इस जगह लगती है, और ये हो गई अपनी गाड़ी स्टार्ट, और इंजन की साउंड कुछ ऐसी है। और गाड़ी बिल्कुल दहाड़ती है, क्योंकि गाड़ी की लुक तो छोटी है लेकिन इंजन इसमें 1000 cc का है, और इस गाड़ी में पावर की कोई कमी नहीं है, गाड़ी रोड पर भागने को तैयार रहती है जब भी आप पैंडल प्रेस करोगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं इंजन बिल्कुल साइलेंट हो चुका है गाड़ी का, बोनट बंद करते ही जो है ना इसकी साउंड बिल्कुल कम हो जाती है, और जैसा कि अभी आप सुन पा रहे हैं इंजन की बहुत ही कम साउंड है, मतलब कि जैन का मतलब होता है कि ज़ीरो इंजन नॉइस। अगर आप जैन का फुल फॉर्म भी सर्च करोगे नेट पर तो यही निकल कर आएगा कि ज़ीरो इंजन नॉइस, और इंजन की नॉइस काफ़ी ही कम है वैसे भी। अभी ये ऑटो चौक पर है गाड़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको यहीं पर खड़े, और गाड़ी का इंजन थोड़ा ठंडा है तो अभी ये ऑटो चौक पर है, इसलिए थोड़ी साउंड और ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जब ये गाड़ी रोड पर चलेगी और इसका इंजन टेम्परेचर पर आ जाएगा तब इसकी साउंड और भी कम हो जाती है। बाकी आपको पीछे से दिखाता हूँ एक बार, मैं एग्जॉस्ट इसका कुछ ऐसा है, और एग्जॉस्ट से पानी निकल रहा है, पानी निकलना एक अच्छी बात होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पानी निकल रहा है, और पानी बिल्कुल क्लीन निकलता है इसमें, आपकी भी गाड़ी से निकलता होगा। और गाइस अभी चलते हैं हम गाड़ी के राइड रिव्यू के लिए, और गाड़ी चलाकर देखते हैं और आपके साथ रिव्यू शेयर करता हूं कि गाड़ी चलने में कैसी है और इसका चाल चलन कैसा है।
तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं गाड़ी में और गाड़ी करते हैं स्टार्ट। और गाड़ी हो चुकी है अपनी स्टार्ट और अंदर बैठने पर इसकी साउंड काफ़ी कम आती है, मतलब कि ऑल्टो वगैरह गाड़ी में मुझको काफ़ी लगती थी लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। और अभी मैं चलता हूँ तो फर्स्ट गियर में डाल देता हूँ यहाँ पर और ये गाड़ी अपनी चल चुकी है। और इस गाड़ी का स्पीडोमीटर भी वर्किंग है तो स्पीडोमीटर भी इस गाड़ी का चलता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाड़ी अपनी चल रही है और मीटर आपको दिखाऊं तो अभी आप देखिएगा मीटर भी इस गाड़ी का चलता है, वर्किंग है, 20 की स्पीड हम जा रहे हैं 20 की स्पीड पर। और एक छोटा सा राइड रिव्यू भी शेयर कर देता हूं आपके साथ, बाकी लंबा राइड रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि गाड़ी मुझको चलानी भी है फिर और एक हाथ से चलानी थोड़ी मुश्किल भी हो जाती है। अब ऑटोमेटिक गाड़ी होती तो चला भी लेते लेकिन इसका तो क्या ही कर सकते हैं। और थोड़ी बहुत खड़खड़ है गाड़ी में, ऐसा नहीं है, अब गाड़ी इतनी पुरानी है तो थोड़ी बहुत खड़खड़े वगैरह होगी भी, अब इससे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना भी पड़ता है। और बाकी आप अपने हिसाब से भी इनकी डैम्पिंग वगैरह करवा सकते हो, मतलब ये डैम्पिंग करवाने से जो है ना बाहर की साउंड कम हो जाती है। और बाकी गियर स्मूथ पड़ रहे हैं, थर्ड गियर पर अभी मैं चल रहा हूँ और रोड अपना कुछ ऐसा है और गाड़ी की स्पीड है 20 की और साइड मिरर आप देख सकते हैं। रियर व्यू मिरर। और अभी मैंने कैमरा लगाया हुआ है ग्लव बॉक्स के अंदर और बैटरी हो चुकी है कैमरे की डाउन और मेरा कैमरा ट्रैकिंग कर रहा है इसके अच्छे से। बाकी अभी आपको साउंड कुछ ऐसी सुनाई दे रही होगी गाड़ी की और मेरी भी। और अभी मैं प्लेन रोड पर हूँ तो रोड दिखाने का तो आपको खैर फायदा है नहीं क्योंकि अब मैं रोड देखूं या कैमरा देखूं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इस चीज़ में बंदा। और अब मैं आ चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पर और अब चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में बताया और आगे भी इस गाड़ी पर ऐसी ही वीडियो आएगी मेरे चैनल पर, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। आगे जो भी मॉडिफिकेशन मैं इस गाड़ी पर करूँगा वो सारी वीडियोस आने वाली है। अभी मैंने इस पर काफ़ी चीज़ें सोची हुई है कि स्टेयरिंग व्हील और बाकी पता नहीं क्या क्या सोचा है, वो सारा आगे कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। और अभी के लिए इतना ही था। और अगर आपके आसपास भी जैन गाड़ी मिल रही है और अगर आप लेने के इच्छुक हो तो ले सकते हो, बस पासिंग वगैरह देख लेना कि उस गाड़ी की पासिंग कम्प्लीट है या नहीं, अगर आगे और हो सकती है तो ले सकते हैं और सही प्राइस पॉइंट पे तो बिल्कुल ले सकते हैं, बाकी गली वगैरह ना हो। इस चीज़ के बारे में जो है ना आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर गाड़ी एक्सीडेंट भी है ना और गाड़ी चाहे कोई भी हो, मतलब चाहे हाई क्लास गाड़ी हो लेकिन आप मत लीजिएगा एक्सीडेंट गाड़ी भी, क्योंकि एक्सीडेंट का मतलब ये है कि गाड़ी का लोहा कमज़ोर हो चुका है और अगर आप उसको सीधा भी करवा दोगे वेल्डिंग वगैरह की मदद से वो रस्ट पकड़ लेगा, चलने में 10 साल भी चल सकता है और चलने में 2 साल भी नहीं निकालेगा आपके वो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको गाड़ी लेनी है एक्सीडेंट गाड़ी मत लीजिएगा और ना ही रस्टिंग गाड़ी लीजिएगा जिस पर रस्ट लगा हो फ्लोर बोर्ड वगैरह पे। जैसे मेरे को ये चीज़ पता लगी तो ये चीज़ जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ऐसे चक्करों में मत पड़िएगा। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।